गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल मित्तल, बायोटेक्निकल ट्रेनर। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मेरे साथ मेरे न्यू स्टूडेंट हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? ओके, कहाँ से आते हैं आप? ओके, किस डिपार्टमेंट में है? ओके ओके, जैसे कि आपने देखा मैम ने बैलेनो परचेज करी है और बहुत अच्छी गाड़ी है बैलेनो, और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं ड्राइविंग को लेके, क्योंकि आजकल लेडीज़ सारी खुद चाहती है कि खुद ड्राइव करें, क्योंकि ड्राइविंग एक बहुत बड़ी नीड है, सभी को आनी चाहिए, कंपलसरी है। क्योंकि आप चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आनी चाहिए। एमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको आनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 2 से 3 ड्राइवर हैं तो 24 आवर्स आपके पास रहेंगे, नहीं। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत इजी है, जैसे कि मेरे साथ मैम है और अभी हम लोग हैं NH24 पे, और आप देख रहे हैं ये मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, और जिसमें कि 5th गियर है, रिवर्स मिला के 6th गियर है। और आज मैं इनको बताने जा रहा हूँ कि कार ड्राइव करते टाइम किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं। कि ड्राइविंग के टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्राइविंग सीख रहे हैं आप, अगर लर्नर हैं तो नंबर 1 सबसे पहले तो आपको अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑफ रखना है। ड्राइविंग के टाइम म्यूज़िक सिस्टम कतई नहीं ऑन करना है अगर आप लर्नर हैं तो, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सेकेंड चीज़, आपको अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर देना है। अगर आपका फ़ोन ऑन है, बार बार आप कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए, जितनी देर भी कार ड्राइव करें, फ़ोन को साइलेंट कर दें, माइंड को फ्रेश कर लें। अक्सर क्या होता है कि टेंशन की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ओपन माइंड से आपको ड्राइविंग करनी है। और आई होप मैं बता रहा हूँ आपको कि वो चीज़ें आपको इतनी जल्दी पिकअप होंगी, इतनी जल्दी माइंड में बैठेंगी कि आप समझ नहीं सकते हैं, और बहुत जल्दी आप ड्राइविंग सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं 4-व्हीलर ड्राइव करने के लिए, और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। जैसे कि ये मेरी गाड़ी जेन है, ठीक है, मारुति सुजुकी की जेन है, और हम लोग चल रहे हैं NH24 पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे, ये दिल्ली वाला रोड है, और गाड़ी अभी हमारी चल रही है 2nd गियर में। 2nd गियर की जो स्पीड होती है वो 20 से 30। अभी तक तो मैंने 3rd, 4th, 5th गियर बताया, पर आज मैं आपको 1st और 2nd गियर में कार को ड्राइव करना बताऊंगा कि 1st और 2nd गियर में कार को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए। और हाईवे पे पहुंचने के लिए हमें गलियों से गुजरना होता है। मैम, आपको दिख नहीं रहा है क्या राइट साइड वाले शीशे में? सही से आप गर्दन क्यों टेढ़ी कर रही हैं? प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या? सही से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1st और 2nd गियर सीख लेंगे तो 3rd और 4th बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी हमेशा हमें 1st गियर में ही मूव करनी होती है फ्रेंड्स। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे एंड तक, तो शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ड्राइविंग को लेके, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। हल्का लेफ्ट रखिए। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं, वीडियो शूट करते हैं। अभी हम लोग खुरम नगर चौराहे पे हैं, अभी हम लोग खुरम नगर चौराहे की तरफ हैं, और इससे जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ। स्पीड बढ़ाइए, और ये गाड़ी चल रही है 2nd गियर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1st गियर और 2nd गियर गाड़ी स्टॉप करवा के मैं मैम से वापस ऑन कराऊंगा। तो मैम, गाड़ी ज़रा थोड़ा साइड में लगाइए आप, आगे जाके, ठीक है, सीधी करो गाड़ी, हाँ, वापस पूरा क्लच दबाओ, फुल क्लच, धीरे से ब्रेक, उसको न्यूट्रल कर दो, गुड, वेरी गुड। अभी आप क्लच ब्रेक से पैर हटा लो, ठीक है, हटा लो, हाँ, अभी इंजन ऑफ कर दो की से, गुड, ठीक है ना। अभी आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, गहरी सी सांस लो, एकदम कूल हो जाओ, ठीक है, स्टार्ट करें। अभी आपको वापस इंजन ऑन करने से पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये न्यूट्रल चेक करना होता है। इसको ऐसे करके चेक करके देखो, फ्री है ये, अगर ऐसे ऐसे पूरा जा रहा है तो इसका मतलब फ्री है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ा लेनी है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लुकिंग ग्लास में, कि गाड़ी के दाएं बाएं कोई है तो नहीं। उसके बाद आप वापस, सीट बेल्ट ऑलरेडी आपने लगा रखी है, ठीक है,
और स्टीयरिंग आपकी ओके है ये। अब आप इग्निशन ऑन करो, पहले हाफ स्विच काटो, हाफ इग्निशन ऑन हो गया फ्रेंड्स, ये इग्निशन ऑन हो गया जिसमें लाइटिंग आ गई। अब कार को स्टार्ट करने के लिए रेडी, वापस आप क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे क्योंकि आजकल जितनी गाड़ियाँ आ रही विदाउट क्लच स्टार्ट नहीं होती हैं। तो पहले आप क्लच पूरा दबाइए, अब सेल्फ की को घुमाइए, घुमा के रखिए, हो गई हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गाड़ी बढ़ाने के लिए कौन सा गियर डालेंगे आप, फर्स्ट, और उसके बाद आप क्लच कैसे छोड़ेंगे, देखो एड़ी फिर हवा में पहुंच गई आपकी, ठीक है। अभी आपका राइट वाला पैर कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, की छोड़ दो, की का काम खत्म। अब आपको धीरे धीरे सबसे पहले राइट साइड वाले मिनर में देखिए, राइट का सिग्नल दीजिए ताकि पीछे वाली गाड़ियों को ये पता चल जाए कि आपकी गाड़ी वापस रेडी टू मूव होने जा रही है, ठीक है। और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब सिग्नल बंद कर दीजिए आप, क्योंकि सीधा सीधा सिग्नल देंगे तो बंद करना पड़ेगा, अगर टर्निंग पे देते हैं तो ऑटो कट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आप स्पीड बढ़ाइए एक्सेलेटर से, जो फर्स्ट गियर होता है ये 10-20 होता है, अगर फर्स्ट गियर में आप एक्सेलेटर नहीं भी देंगे तो भी गाड़ी धीरे धीरे आपकी बढ़ती रहेगी। कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि एक्सेलेट नहीं करेंगे तो गाड़ी हमारी नहीं चलेगी, पर ऐसा नहीं है। फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी है, अगर आप फर्स्ट गियर डालते हैं और धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करते हैं तो गाड़ी बगैर एक्सीलेटर बढ़ जाती है, अगर झटके से छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी। अभी फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10-20, अभी आपकी स्पीड हो गई 20। अब आप एक्सीलेटर से पैर हटाइए और क्लच दबा के सेकंड गियर पूरा क्लच दबाइए फटाफट, लेफ्ट लाके, वेरी गुड, छोड़ दीजिए धीरे धीरे, पूरा क्लच रिलीज कर दीजिए, गुड, बहुत बढ़िया। अभी आपकी गाड़ी स्मूथ चलने लगी, पहले गियर में थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा था ना इसका, और अभी एकदम स्मूथ चल रही। तो जैसे जैसे हम गियर बड़े डालेंगे सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, और फर्स्ट गियर में अगर हम ज़्यादा देर चलाते हैं तो गाड़ी हीट कर जाती है, ठीक है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है, और हमें क्लच दबा के नहीं रखना है। अभी हमारी गाड़ी चल रही सेकंड गियर में, ठीक है, तो अभी हमें थर्ड के लिए क्या करना होगा, पहले स्पीड मेंटेन करेंगे, क्योंकि 20 से 30 जो होती है वो सेकंड गियर की स्पीड होती है, और तीसरा गियर डालने के लिए हमें 30 की स्पीड चाहिए। तो अभी पहले आप स्पीड मेंटेन करिए और लाइन, यही लाइन नहीं चेंज करना है, गाड़ी इसी लाइन में रहेगी, ठीक है, स्पीड चेंज करिए और बढ़ाइए, और फट एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे लेके आइए, एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे, हाँ, अब क्लच दबाओ, न्यूट्रल करो, थर्ड गियर सेंटर में, बीचों बीच ऊपर, बस हो गया, वेरी गुड। अब पहले क्लच छोड़ो फिर एक्सीलेटर पे पैर ले जाओ। अभी आपसे मैं इसलिए कह रहा था कि ब्रेक पे पैर लेके आओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यू स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है, उनको अंदाज़ा नहीं होता है, तो वो हमेशा एक्सीलेटर पे पैर रखे रहते हैं, और जब हम क्लच दबा लेते हैं तो एक्सीलेटर अगर ज़रा सा भी दबता है तो देखो कैसी आवाज़ आती है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, रेस करो, लोगों को लगता है कि उन्होंने एक्सीलेटर नहीं दबाया, क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती तो गाड़ी भागने लगती, जब लेकिन क्लच दबा होता तब एक्सीलेटर दबता है तो देखो कैसा साउंड होता है। अभी आप पूरा क्लच दबाओ और एक्सीलेटर दबाओ एक्सीलेटर, और देखा क्या हुआ, एक बार और दबा के दिखाओ, बस छोड़ो। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि इन्होंने क्लच दबा के एक्सीलेटर दिया, तो होता है ऐसी कंडीशन में आपकी क्लच प्लेटें जल जाती हैं और गाड़ी वाइब्रेट करती है। तो कहने का मतलब ये, जितनी बार आप गियर चेंज करो क्लच दबाओ पूरा, उस टाइम आपका राइट वाला लेग जो है वो ब्रेक पे आना चाहिए। लेके आइए ब्रेक पे, गुड, वापस ले जाइए एक्सीलेटर पे, लॉन्ग हॉर्न मारिए, क्योंकि ये चौराहा है, नहीं ऐसे नहीं, हॉर्न मारने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, हाँ ऐसे जैसे अभी मारा आपने, अपनी लाइन में आ जाओ। और ये लेफ्ट साइड वाला साइड मिनर, ये लुकिंग ग्लास, ये राइट साइड, इनमें नज़र आपकी हर एक एक सेकंड में जानी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी गाड़ी के पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। स्पीड मेंटेन करिए, क्योंकि अगर आप 20 से नीचे जाएंगे, 20 माइनस जाएंगे, तो गाड़ी आपकी जर्किंग करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी, क्योंकि जो सेकंड गियर है उसकी स्पीड होती है 20-30, आप चल रहे हैं थर्ड गियर में, तो थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो 30-40 होती है, तो अगर आप 20 से नीचे आ रहे हैं तो आपको क्लच दबा के गियर सेकंड करना होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड और फर्स्ट का क्या रोल है। जैसे कि सपोज़ करो कि सामने कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, सामने कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ब्रेक पे पैर लाना है, 100 मीटर पहले ब्रेक पे पैर लेके आइए आप, गुड, अब थोड़ा सा ब्रेक दबाइए, थोड़ा सा, वेरी गुड, गाड़ी आपकी स्लो हो गई, 20 नीचे आ गई। अब आपको क्लच दबाना है, पूरा क्लच दबाओ फुल, अब इसको न्यूट्रल करो, अब लेफ्ट लेके आओ, लेफ्ट, अब पीछे करो, वेरी गुड, ये हो गया सेकंड गियर। अब धीरे धीरे आप क्लच छोड़ दो,
छोड़ दिया, स्पीड आपकी 10 प्लस है, अभी आप 20-30 चल सकते हैं। अब आप स्पीड मेंटेन करिए, गाड़ी देखो वाइब्रेट कर रही है क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड उसको नहीं मिल पा रही है। अभी गाड़ी आपकी 20 प्लस हो गई वापस। फिर अब सपोज करो कि आगे लग गया है जाम, ठीक है, आगे लग गया जाम, हालांकि रोड खाली है। सपोज करो 100 मीटर पे जाम लग गया, जहाँ पे वो बंदा जा रहा है पिंक टी शर्ट पहन के, अंदाज़ा ले लो कि वहाँ जाम लग गया है। अब आपको वहाँ रोकनी पड़ेगी प्रॉपर गाड़ी, ट्रैफिक रुका हुआ है, ठीक है, आप जाने दो। जैसे उस बंदे के पास पहुँचना, आपको क्लच लेके ब्रेक ले लेना है पूरा। बढ़ाइए स्पीड और बढ़ाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, और जाने दीजिए, गुड। अब आप लेफ्ट आओ और पूरा क्लच दबाओ पूरा, और ब्रेक मारो, हाँ ब्रेक मारो, दोनों दबा के रखना, छोड़ना नहीं है। अब गाड़ी हो गई आपकी स्टॉप। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम स्टॉप हो चुकी है और ये गाड़ी खड़ी हुई है, और अभी मैम ने पूरा क्लच और ब्रेक ले रखा है, गाड़ी ऑलरेडी गियर में है। अब आपको अगर इसको मूव करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल करो, अब उसके बाद आप फर्स्ट गियर में आओगे, वेरी गुड। अब पहले आप ब्रेक छोड़ोगे पूरा पूरा ब्रेक, अब हल्का एड़ी नीचे रखो, देखो हवा में फिर ले गए आप एड़ी, ठीक है। अब हल्का एक्सेलेटर करके रखो, एक्सेलेटर करके रखो, थोड़ा सा हल्का एक्सेलेटर लेके रखो, और थोड़ा, और अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। अब देखो आपने फिर वही गलती कर दी ना, फिर वही गलती कर दी, क्लच मैंने अभी आपको समझाया था ना क्लच कैसे छोड़ना है। आप 100% क्लच रिलीज़ कर रहे हो, आपको क्लच को कम से कम फर्स्ट बार गाड़ी को मूव करने में 5 सेकंड लेने होते हैं, आप एक एक्सेलेटर भी नहीं ले रहे हो। अगर आप बगैर एक्सेलेटर के बढ़ा रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बढ़ गई, अब छोड़ दो पूरा क्लच। अगर आपको जल्दी क्लच छोड़ना है तो उसके साथ एक्सेलेटर लेके छोड़ो, और अगर आपको एक्सेलेटर नहीं लेना है तो आप क्लच धीरे धीरे छोड़ो, वापस बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ, क्योंकि ज़्यादातर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट गियर में गाड़ी मूव करना। एक बार गाड़ी बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी और लेफ्ट लेके आओ आप। और अब वापस आपको अगर स्टॉप करना है तो ये रिंग रोड है, पहले शीशे में देखो, फिर वापस क्लच दबाओ, ब्रेक मारो, गाड़ी स्टॉप करो, वापस क्लच दबाएं। हाँ, ब्रेक पे बहुत लेट पैर आता है मैम, बहुत लेट आता है, नीम हकीम खतरे की जान हो जाएगी फिर, समझ लीजिए नई गाड़ी है आपकी, ध्यान रखिए। अब वापस इसको न्यूट्रल करो, आज मैं प्रैक्टिस ये करा रहा हूँ कि आपसे जो गाड़ी बार बार बंद हो रही है, जैसे आप कह रहे हो आपकी गाड़ी बंद हो रही है ना फर्स्ट गियर में, इसलिए आप ब्रेक छोड़ सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, क्लच भी छोड़ दो। अब वापस बढ़ाना है तो क्या करना है आपको, वापस बढ़ाना है तो मुझे पहले क्लच दबाना होगा, पूरा क्लच दबाइए फुल। अब फर्स्ट गियर डालिए, अब गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, वो पैर ब्रेक पे रखो, अब बंद नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना है, जब गाड़ी खिसकने लगे वहाँ पे 5 सेकंड के लिए क्लच को रोक लो, बस। मैम अभी मैंने आपको मना किया था कि एक्सेलेटर पे पैर मत ले जाइएगा, ब्रेक पे रखिएगा, मना किया था ना, फिर आप एक्सेलेटर पे लेके चले गए, तो यही चीज़ तो सीखनी है, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको, नहीं लेके जाना है, मैं वही तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जो गाड़ी आपसे बार बार बंद हो रही है वो क्यों बंद हो रही है, क्योंकि एक्सेलेटर और क्लच का मैचिंग नहीं हो पा रहा है। वापस स्टॉप करो, थोड़ा पेशेंस रखो आप, ठीक है, वापस ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, इसको न्यूट्रल करो, हाँ वापस फर्स्ट गियर डालो, अब फिर ब्रेक पे पैर रखो, दबाना नहीं है, ये जो आप हवा में नीचे ले जाती हो पैर, ये कारण पता है क्या, क्योंकि आप स्कूटी चलाती हो तो आपकी हैबिट है कि जहाँ रोकनी है पैर नीचे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, थोड़ा सा और थोड़ा सा, अब देखो गाड़ी खिसकनी स्टार्ट हो गई, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका पैर एक्सीलेटर पे नहीं गया ना, गुड, बढ़ गई, जरा सा भी झटका है गाड़ी में, नहीं आया, अब वापस पूरा क्लच छोड़ दो, अब रेस करो हल्का सा, वापस लेफ्ट आओ, बढ़ाओ स्पीड। फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलाना सबसे टफ होता है, सेकंड में एक बार जब गाड़ी मूव करगी 20-30 तो आप चाहे झटके से क्लच छोड़ो, चाहे बगैर क्लच दबाए गियर डाल दो, हालांकि नहीं लगाना चाहिए, गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा, क्लच प्लेटें जल जाएंगी, लेकिन जब हमें दिक्कत कहाँ से आती है भाई, हाईवे पे पहुँचने के लिए तो गलियों से गुजरना पड़ता है ना, तो इसीलिए ये सोचना होगा, समझना होगा कि फर्स्ट गियर में हम गाड़ी जब मूव करें तो गाड़ी हमारी बंद ना हो,
क्योंकि जब ट्रैफिक में आप गाड़ी चलाओगे, जाम लगा होता है, बम्फर टू बम्फर ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे बार बार गाड़ी बंद होगी, क्या होगा, पीछे वाला आपको डीमोटिवेट कर देगा हॉर्न मार के, लोग कमेंट करने लगते हैं। अब यहाँ जैसे स्पीड ब्रेकर आया था अभी, आया पर आपका पैर ब्रेक पे आया नहीं आया, तो जैसे इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर था तो पैर आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अभी आपके माइंड में बहुत सारी गलतफहमी है, जिसने भी आपको पहले सिखाया, जो भी सिखाया, पर उसने सही गाइडेंस आपको नहीं दी। जब एक बार आपको गाड़ी बढ़ाना और रोकना बढ़ाना आ जाएगा तो चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपसे गाड़ी बार बार बंद हो रही है, बंद नहीं होनी किसी भी कंडीशन में, बढ़ाइए स्पीड और बढ़ाओ, रेस करो, डरो मत, जाने दो। अब एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे लेके आओ, दबाना नहीं है, लेके आओ फटाफट जल्दी से, क्लच दबाओ फट, सेकंड गियर करो, लेफ्ट लाके वेरी गुड, छोड़ दो, जाने दो। एक से दो सेकंड का खेल होता है, अगर ज़्यादा देर तक आपने क्लच दबा रखा तो गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी। इधर क्लच दबाने के लिए पैर लाए, उधर एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे लिया है, इधर गियर पे, तीनों चीज़ का मैचिंग होना चाहिए। अगर पहले आपने क्लच दबा दिया, गियर बाद में खींचा, तो गाड़ी स्लो हो जाएगी। अगर गियर पहले खींच दिया, क्लच बाद में दबाया, तो गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा। तो तीनों चीज़ को मैनेज करना, और ये कब हो पाएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे। अगर आप एक्सेलेटर से पैर ना भी हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दबाए ना, लेकिन वो आदत नहीं आएगी ब्रेक से एक्सेलेटर, और करना क्या, हमें आदत ही बनानी है, स्पीड बनाइए। ये चीज़ जो ये आप कर रहे हो ना, ये आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो, अपनी कार में भी कर सकते हो, कि बार बार मुझे एक्सीलेटर से ब्रेक, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, वो पैर उठा के ले जाते हैं ब्रेक से एक्सीलेटर, तो जब उनको दबाना होता ब्रेक, दब जाता है एक्सीलेटर, स्पीड बढ़ाइए, अक्सर यही होता है लोगों के साथ, स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए, और नज़र सामने रखनी, कभी भी ABC एक्सीलेटर क्लच ब्रेक को गियर पे नहीं देखना, कि ये दोनों चीज़ तीनों चीज़ ब्लाइंड होती हैं, है ना। अगर आप आदत डालेंगे देखने की, हल्का लेफ्ट आ जाओ, पीछे क्रेटा आ रही है आपके, बढ़ाइए स्पीड और बढ़ाइए, और जब भी कोई हॉर्न मारा करे, शीशे में आपकी नज़र नहीं जाती है, कैसे आपको पता चलेगा आपके पीछे ट्रक है, ट्रैक्टर है, साइकिल है, क्या है। ये जो हमारे साइड मिनर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पीछे पूरा क्लियर व्यूज दिख रहा है, इसको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट और सेकेंड गियर, और बढ़ाइए स्पीड, गुड। अभी सामने टेढ़ी पुलिया चौराहा है, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है, कहीं से भी गाड़ी आ जाती, तो हमें अलर्ट रहना है, हमें सबसे पहले हॉर्न देना है लॉन्ग थोड़ा, वेरी गुड, और पैर आपका वो ब्रेक पे आ जाना चाहिए, बस। अब देखो दाएं बाएं कोई नहीं, फिर एक्सीलेटर पे ले जाओ, वापस स्पीड मेंटेन करो, जाने दो, सामने जिधर जाना है एकदम स्ट्रेट जाना है, बढ़ाओ स्पीड, हॉर्न मारो, राइट रखो हल्का, और स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, बढ़ा लो स्पीड, बढ़ाओ थोड़ा और, गुड, डाइवर्जन है, लेफ्ट आ जाओ, बढ़ाइए स्पीड और बढ़ाइए स्पीड, गुड। सेकंड गियर में 10 से नीचे अगर जाएगी तो फिर वो गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि फिर स्पीड मेंटेन करना है, और फर्स्ट गियर होता है सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए, ज़्यादा देर हम फर्स्ट गियर पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, लेफ्ट जाना है, थोड़ा डाइवर्जन है, स्पीड बढ़ाइए और अपना लेफ्ट वाली लाइन पकड़ लीजिए, लेफ्ट वाली लाइन। अगर हम 40 से ऊपर चलेंगे, 40 प्लस चलेंगे तो राइट में चलेंगे, अगर 40 माइनस चलेंगे तो लेफ्ट में, क्योंकि हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। स्पीड बढ़ाइए और लेफ्ट आओ। अब जैसे सपोज करो, फिर आपको मान लो कि सामने जाम लग गया है, ठीक है, लेफ्ट वाली लाइन में रखिएगा, लाइन चेंज मत करिएगा, वापस ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक पे बहुत लीड पैर आता है, मैंने आपको बोला वापस ब्रेक पे पैर रखो, बहुत, फिर आप एक्सीलेटर पे भागी जा रही, क्यों मैम, ब्रेक को समझिए, ब्रेक को सीखिए, फिर ले जा रही है एक्सीलेटर पे पैर, वापस लेफ्ट आइए, मैम आपको एक्सीलेटर पे पैर नहीं ले जाना है, आप क्यों गलती कर रही हैं बार बार, आपको एक्सीलेटर नहीं छूना है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो गलतियाँ आपके साथ हो रही हैं वो ना हो, एक्सीलेटर भूल जाइए, गाड़ी आपकी चल रही है 10 की स्पीड में, आपका पैर एक्सीलेटर पे नहीं है, क्लच ब्रेक पे, फिर आपको एक्सीलेटर की क्या पड़ी रहती है, बताइए आप,
स्कूटी वाली आदत आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे क्या है ना, अगर ये आदत आप नहीं बनाएंगी तो कल को आपकी जो, जब आप चलाओगे अपनी गाड़ी तो ये चीज़ें 15 साल का एक्सपीरियंस 15 दिन में कैसे पॉसिबल हो जाएगा बताइए। मैं आपको 20 मिनट से ये चीज़ें गाइड कर रहा हूँ तो बोलने में भी दिक्कत होती है मुझे, है ना। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अभी गाड़ी आपकी आ गई 10 की स्पीड में, मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप एक्सेलेटर नहीं लिए हैं फिर भी ये चल रही है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बगैर एक्सेलेटर की गाड़ी कैसे चलेगी। लोगों को ये रहता है कि मोड़ पर भी एक्सेलेटर दबा देते हैं, उनको लगता है कि मेरी बाइक की तरीके से गाड़ी रुक ना जाए, बंद ना हो जाए, पर फोर व्हीलर में ऐसा नहीं होता है। फोर व्हीलर में आपका क्लच और ब्रेक के, क्लच के सहारे गाड़ी चलती रहती है, पहले गियर और दूसरे गियर में, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कराता हूँ, ब्रेक पे पैर रखे रहे ना, क्लच दबाओ पूरा, पहला गियर करो, जाने दो, छोड़ो क्लच धीरे धीरे, एड़ी आपकी हमेशा ऊपर उड़ जाती है मैम, छोड़ो क्लच, छोड़ दिया पूरा, दोनों पैर हटा लो, पीछे खिसका लो। गाड़ी की स्पीड क्या है आपकी? 0 to 10 के बीच में। गाड़ी आपकी कहाँ जा रही है? राइट जा रही है, देखो लेफ्ट लेके आओ, ठीक है। गाड़ी मूव कर रही है, आपने कोई एक्सीलेटर ले रखा है? नहीं ले रखा ना, फिर भी गाड़ी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमारा पैर ब्रेक पे होना चाहिए, जिससे कि कभी सोच के गलती से भी एक्सीडेंट ना हो। अब आप क्लच और ब्रेक पे दोनों पे पैर रखो, स्पीड बढ़ाओ, वापस स्पीड बढ़ाओ, और बढ़ाओ फुर्ती से, डरो मत, और बढ़ाओ, और अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट, पूरा क्लच दबाओ फटाफट सेकंड गियर, वेरी गुड, छोड़ दो, बढ़ाओ। और पैर हमेशा क्लच पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्लच दबा रहता है तो उससे क्लच प्लेटें चली जाती है, क्योंकि पैर का हमारे इतना वेट होता है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते, तो धीरे 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 हमारी क्लच की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी रोकना बढ़ाना, रोकना बढ़ाना, तो ये ज़्यादा लोगों में दिक्कत आती है, थोड़ा लेफ्ट रखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फर्स्ट गियर में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, कैसे उठानी चाहिए, किस तरीके से, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो मैंने जैसे आज बताया है तो आप सीख सकते हैं देख के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।